ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। आज श्रीनगर भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है और साथ ही आपको बता दें कि आज राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। श्रीनगर में आज लाल चौक पर दोपहर 12 बजे तिरंगा फहराया जाएगा और ये एक तरीके का समापन, क्योंकि 150 दिनों की जो एक पद्धति रही है उनकी साथ साथ चलने की और एक पूरी प्रक्रिया का निर्वहन उन्होंने और भारत यात्रियों ने किया, लेकिन श्रीनगर पहुंचकर लाल चौक पर झंडा फहराने के साथ में ही यात्रा अब समापन की ओर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, श्रीनगर ये यात्रा पहुंच जाएगी। जम्मू कश्मीर में इन दोनों यात्रा थी, लेकिन वहां के रास्ते अब श्रीनगर ये यात्रा आगे बढ़ चुकी है। आज 12 बजे दोपहर में लाल चौक पर राहुल गांधी तिरंगा फहराने वाले हैं। उस तरह से 150 दिनों का ये संकल्प, जो कि 7 सितंबर को शुरू हुआ था, अलग अलग राज्यों से होकर के ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का वजन इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनाया गया था और वो साकार होता हुआ जमीनी स्तर पर नजर भी आया। आज श्रीनगर भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी राहुल गांधी, लगातार कदमताल करते हुए तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोग उनके साथ में जुड़ते गए और उसके बाद एक पूरा बड़ा कारवां बनता गया। श्रीनगर आज पहुंचेंगे। श्रीनगर में जिस तरह का संकल्प शुरुआत में लिया गया था कि श्रीनगर पहुंचकर लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे और उसके बाद इस यात्रा का समापन पहले चरण का हो जाएगा, जिस तरह से क्योंकि अब कांग्रेस दूसरा अभियान, दूसरा कैंपेन भी लेकर आ गई है, इसके समापन से पहले ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू हो गया है 26 जनवरी से, तो उसको लेकर के तैयारियों में जुटेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा आंदोलन जो कि सड़कों पर एक नजर आया, एक मूवमेंट नजर आया, कांग्रेस पार्टी का रिवाइव नजर आया, वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर यकीनन लोगों के जहन तक पहुंचा भी, क्योंकि अलग अलग राज्यों से होकर गुजरने का मतलब यही था कि लोगों से एक जुड़ाव स्थापित हो पाए। जिस तरह से ये बातें उदयपुर डिक्लेरेशन के समय भी सामने आई थी, आज लाल चौक पहुंचेंगे और उसके बाद तिरंगा लाल चौक पर राहुल गांधी फहराएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। आज श्रीनगर भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है और साथ ही आपको बता दें कि आज राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। श्रीनगर में आज लाल चौक पर दोपहर 12 बजे तिरंगा फहराया जाएगा और ये एक तरीके का समापन, क्योंकि 150 दिनों की जो एक पद्धति रही है उनकी साथ साथ चलने की और एक पूरी प्रक्रिया का निर्वहन उन्होंने और भारत यात्रियों ने किया, लेकिन श्रीनगर पहुंचकर लाल चौक पर झंडा फहराने के साथ में ही यात्रा अब समापन की ओर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, श्रीनगर ये यात्रा पहुंच जाएगी। जम्मू कश्मीर में इन दोनों यात्रा थी, लेकिन वहां के रास्ते अब श्रीनगर ये यात्रा आगे बढ़ चुकी है। आज 12 बजे दोपहर में लाल चौक पर राहुल गांधी तिरंगा फहराने वाले हैं। उस तरह से 150 दिनों का ये संकल्प, जो कि 7 सितंबर को शुरू हुआ था, अलग अलग राज्यों से होकर के ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का वजन इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनाया गया था और वो साकार होता हुआ जमीनी स्तर पर नजर भी आया। आज श्रीनगर भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी राहुल गांधी, लगातार कदमताल करते हुए तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोग उनके साथ में जुड़ते गए और उसके बाद एक पूरा बड़ा कारवां बनता गया। श्रीनगर आज पहुंचेंगे। श्रीनगर में जिस तरह का संकल्प शुरुआत में लिया गया था कि श्रीनगर पहुंचकर लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे और उसके बाद इस यात्रा का समापन पहले चरण का हो जाएगा, जिस तरह से क्योंकि अब कांग्रेस दूसरा अभियान, दूसरा कैंपेन भी लेकर आ गई है, इसके समापन से पहले ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू हो गया है 26 जनवरी से, तो उसको लेकर के तैयारियों में जुटेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा आंदोलन जो कि सड़कों पर एक नजर आया, एक मूवमेंट नजर आया, कांग्रेस पार्टी का रिवाइव नजर आया, वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर यकीनन लोगों के जहन तक पहुंचा भी, क्योंकि अलग अलग राज्यों से होकर गुजरने का मतलब यही था कि लोगों से एक जुड़ाव स्थापित हो पाए। जिस तरह से ये बातें उदयपुर डिक्लेरेशन के समय भी सामने आई थी, आज लाल चौक पहुंचेंगे और उसके बाद तिरंगा लाल चौक पर राहुल गांधी फहराएंगे।